दिल्ली मेट्रो में आम लोग तो हर रोज दिखते हैं और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो उसमें जानवरों के आने जाने पर मना है, लेकिन कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो में एक अजीब मामला सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में मेट्रो में लोगों के साथ एक बंदर भी सफर कर रहा है। दिल्ली मेट्रो के कोच में बंदर आ गया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ यात्री डर भी गए, तो ये बंदर मेट्रो के अंदर कभी टहलता हुआ दिखाई दिया तो कभी यात्रियों की बगल में बैठकर सफर करता हुआ दिखा। मेट्रो के अंदर पहुंचने पर बंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें दिल्ली मेट्रो के एक डिब्बे में बंदर घूमते हुए दिखाई दे रहा है। ट्विटर पर वीडियो क्लिप में दिखाई देता है कि एक बंदर पहले घूमता है और बाद में एक यात्री के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। बंदर कभी शीशे के अंदर से झांकता है तो कभी इधर उधर भागता है। वायरल वीडियो में बंदर मेट्रो के अंदर एक यात्री के बगल में बैठा हुआ दिख रहा है। ये बंदर कभी उस यात्री के हाथ को पकड़ता है तो कभी शीशे से बाहर झांकता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। DMRC ने कहा कि ये घटना 19 जून की है। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से एक बंदर ट्रेन के अंदर घुस गया था और अगले 3-4 मिनट तक मेट्रो के अंदर ही रहा। रिपोर्ट के मुताबिक DMRC ने कहा कि इस मामले की जानकारी मिलते ही DMRC स्टाफ ने अगले स्टेशन पर ट्रेन को रुकवा कर इसे खाली करा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।